हाय गाइस, जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तो आप लोगों के भी दोस्त कम हो रहे हैं और आपके मम्मी पापा जो बातें कहते हैं वो आपको ज़्यादा लॉजिकल लगती हैं। तो हाँ, आप लोग एक मैच्योरिटी की एज की और चल रहे हैं। फेक फ्रेंडशिप रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं कभी कभी उनको बिल्कुल कट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि यार मैं क्यों किसी को भी एंटरटेन करूँ या उनको एक्सप्लेन करूँ या उनसे पूछूँ कि भाई तू रियल क्यों नहीं है, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला या मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई क्यों करी। जब भाई उस इंसान ने ये काम कर ही दिया है तो उससे दूरी हटो ना। और अब मुझे रियलाइज़ होता है, जिन लोगों का कुछ गोल ही नहीं है, जिन लोगों को कुछ अपनी लाइफ में करना ही नहीं है, आप लोगों को उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको कभी कुछ मोटिवेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे और कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी करेंगे आगे जाके। और हो सकता है कि वही सब अपना टाइम पास के लिए कर रहे हो। तो हो सकता है कि जब आप अपनी कंपनी ऐसे चूज़ करो तो आप कभी कभी बोर हो, अकेला फील करो और लोगों को देखो कि यार ये लोग तो बहुत घूम रहे हैं, ये लोग तो बहुत चिल करते हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं सुबह उठी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, फेस वॉश वगैरह कर लिया, ब्रश डन हो गया है, बस अब मैं थोड़ा वर्कआउट करूँगी, अपने दिन को एक एक्टिव स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि दिन वेस्ट ना करूँ, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूँ। सो अभी मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग सोचते होंगे यार मैं वर्कआउट करते रहती हूँ, कोई खास पतली तो हो नहीं रही हूँ। हो जाऊँगी भैया, एक दिन में वेट नहीं बढ़ा है मेरा, तो एक दिन में घटेगा भी नहीं। सो फिलहाल करती हूँ मैं अपनी वर्कआउट। मॉल की तरफ क्योंकि मम्मी किसी फ्रेंड ने, उन्होंने कल ना मम्मी दूध लेने गई थी जब, तो उन्हें बता दिया कि कोई भैया सेल है, वहाँ से मैं सूट वूट लाई हूँ, तो मम्मी को यह है कि हम भी एक बार देख आते हैं। वैसे हमें कुछ लेना नहीं है अभी, मम्मी ने अभी एक हफ्ते पहले ही चादरें खरीदी हैं, पर मैं तो फ्री हूँ, मैंने कहा चलो एक बार देख आते हैं, अगर कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे। बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ से कुछ खरीदा या नहीं। और मम्मी बोल रही थी तू जैसे व्लॉग बनाती है तो हम चाहती है, पापा को बताते नहीं है ना ऐसे कि सब चीज़ें क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं। तो अरे यार मैं इसको कहीं रखना चाह रही हूँ फ़ोन को, तो पापा व्लॉग देखते हैं, तो फिर जब व्लॉग चल रहा होता है ना हमारी तरफ एकदम नज़र जाती है। इसमें होम सेंटर में शायद चद्दर वगैरह में, और यहाँ पे मुझे बताती हूँ मम्मी को बहुत सारी चीजें पसंद आने वाली हैं। एक दो दिन तुमने नहीं देखा था ये? मैं तो रोज आती इसमें नहीं से। रोज क्यों आना करती, इसके बारे में पता ही नहीं था। छोटे छोटे गमले हैं गाइस, यहाँ पे आके मेरी मम्मी का दिमाग वो हो गया बिल्कुल कि तू मुझे पहले क्यों नहीं लाई यहाँ पे। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है, खरीद दो तुम्हारे लिए पूरी दुकान। ये लिया जो कि 70% ऑफ में, 70 क्या ले लेने किसके स्टैंड जो गमलों के स्टैंड है। अरे यहाँ से गमले वमले ले रहे हो, बाहर से ले लेंगे भाई। ऐसी दुकानों में आके मतलब ऐसे शोरूम, ये कौन सी कंपनी है, वेट मैंने बाहर पढ़ा तो था, मैं भूल गई, होम केयर था ना। हाय, सही सही चीज़ है यार वैसे, है ना। एक ऐसी ऐसी चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा रॉयल घरों में देखने को मिलती होंगी। शौक तो हमारी भी थोड़े ऐसे ही हैं।
ये देखिए, ये ऐसे ना चीज़ें आर्किटेक्ट्स वगैरह हेल्प करते हैं ना घर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में, ये सब वही सब चीज़ें हैं। ओ वाह भाई साहब, मम्मी आप ये ले लो, ये ना आप अपनी चाय के लिए ले लो, ये चाय के लिए भाई मेरी मम्मी चाय लवर है, उनके लिए यही वाला कप साइज सही है, ये जरूर लेके जाएंगे आज हम। मम्मी वैसे चाहिए ना आपको इतना बड़ा ही? सही कह रही। यार कितने प्रिटी है ये, और ये मेरे को अभी तक आर्टिफिशियल लग रहे थे बट ये रियल है, पर ये बहुत ज्यादा महंगा है यार, 1500-1600 रुपए के हैं। देखो मम्मी ये इसी टाइप से तो लगेंगे हमारे उस स्टैंड में। हाँ, तो ये इसी में इस टाइप से लगेंगे, तो ले लो यार। कुछ चीज हमने ले ली है, बाकी कुछ जो पसंद आई है वो भी ऑफ में नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे। मम्मी का भी चैन नहीं है, कुछ और भी नहीं। निकल रहे हैं कि पेड़ लिया है, और कैसा लगा मम्मी तुम्हें वैसे? अच्छा तो है बट थोड़ा महंगा है। हाँ क्वालिटी की वजह से हो सकता है, तो मैं निकल रही हूँ घर के लिए। हाँ तो मैं निकलती हूँ और आपको मिलेंगे हम सीधा घर पे। आज इवनिंग में ब्रूनो के डॉक्टर के पास थी हमारी अपॉइंटमेंट, क्योंकि ब्रूनो को दिखाना था बीगल ब्रीड्स में बारिश के टाइम थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम्स इश्यूज रहते हैं, तो उसको हम दिखाने गए थे, इसलिए हमने इसको कॉलर लगा रखा है, वरना अपने फेस पे ईचिंग की वजह से थोड़े से मतलब मार वार लेता है, तो डॉक्टर ने हमें बोला है कि आप इसको मतलब ये कॉलर लगा कर रखिए। तो गाइस शाम के टाइम मैं यहीं गई थी, और वहाँ पे व्लॉगिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ब्रूनो को हैंडल करना होता है, वहाँ पे बहुत सारे डॉग होते हैं। इस बार जैसे कि आपको पता है कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपने स्ट्री डॉग्स का भी ध्यान रखें, उनको घर में थोड़ी बैठने की जगह दे सकते हैं क्योंकि वो लोग सब हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।